अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, फेसबुक वाले, टिकटॉक वाले, सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगी सभी खैरियत होंगे और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं आज हमारे अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर करें ब्रेकफास्ट रूटीन। बच्चों की था ऑफ और हम बना रहे हैं एज यूजल नाश्ता। ये मैंने चाय का पानी लिया विद दूध रख चुकी हूँ। आवाज़ें आपको बाहर से आ ही रही होंगी। और यहाँ पर मैंने इसको सालन को भी कर लेना है गर्म, मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ ताकि जो है और हस्बैंड के लेके जाने के लिए अलग निकाल लिया जाए। नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद फिर आज क्या पकाऊं कि जो एक जंग है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती ना, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या बनाएं आज। और आज सैटरडे का डे है, थोड़ी सी ठंड है मज़े की और मैंने स्वेटर तो पहनना शुरू भी कर दिया भाई। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा मुझे ठंड लगती है तो मैं अपने आप को वो विंटर फील देने के लिए ना, विंटर वाइब्स आ गई ना तो मैं पहन लेती हूँ भाई। और बस यही हमारे काम से दो चार हैं हम। और आजकल क्या मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। यहाँ पर ये है हमारा नाश्ता जो कि आलू वाले पराठे बच्चों के हैं और साथ में सिंपल पराठे हमारे, तो हम दाल के साथ और चाय के साथ और थोड़ा सा शोरबा इसके साथ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कारनामा बताती हूँ कि मैंने आज क्या किया। मैं दाल रख के ख़ुद नमाज़ पढ़ने लग गई ज़ोहर की और इसने काम कर लिया क्योंकि मैंने कल ही स्टोव अपना क्लीन किया था। देखिए आपने वीडियो में भी देखा होगा और इन्होंने ये देखें पूरा ये कारनामा अंजाम हो गया, मतलब कैसे साफ़ रह सकता है। सो अभी मुझे खाना बनाने से पहले ना इसको क्लीन करना है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये पतीला बहुत गर्म है, भरा हुआ है, मतलब इट्स अभी काफ़ी गर्म है तो यहाँ पर ये पंगा नहीं हो सकता, तो यहाँ यहाँ तक तो क्लीन कर सकती हूँ, उसको कर लेती हूँ तब तो दुख हो रहा है ना मुझे। तो ये देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया, मैंने सब चीज़ों को वॉश कर लिया है। अभी मुझे दाल को तड़का लगाना है और मटर निकालने थे क्योंकि कल मटर लेकर आए थे, दिल चाह रहा था एकदम तक खाने, तो मैंने कहा यार बनाती हूँ सालन भी तो पहले मैं दाल को तड़का लगा दूँ उसके बाद में। तो मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बॉयल हमारी कीवी दाल। ठीक है ये है आज मूंग और मसूर की दाल, ठीक है मैंने दो दाल इसको मैंने पानी और एक मैंने ये हमेशा डालती हूँ मैं निकाल दूँगी और बाकी इसको फिर मैं इसका पानी थोड़ा ही है इतना नहीं है, बिल्कुल मसाला बनी नहीं होनी चाहिए तो मैंने हाथ से ही थोड़ा सा इसको कर लिया। तो यहाँ पर मेरी ये जो है ना आलू मटर का बना रही हूँ और यहाँ पर जो है ना ये देखें दाल, इसको बस मैंने भर के आंच पे रखा हुआ है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से ना एक जान यकजा हो जाए ताकि फिर जो दाल का टेस्ट है ना वो सही से, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। देखें कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, तो ये पक पक के बहुत मज़े की हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा सालन बनाऊँगी। पापा मुझे भी दे दे। आज मैं सबकी अलग अलग प्लेट लेकर आई हूँ, चम्मच भी लेकर आई हूँ। गुड नहीं बोलो, कोई सूट ले दो इसके बदले कैसा लगा फिर मेरा जोक? आपको इससे कुछ याद आता है मेरे सूट से? कितने साल पुराना हो गया ये सूट ना, और अभी तक वैसे का वैसे ही है, देख रहे हैं कुछ भी खराब नहीं हुआ इसका। मामी का इसके बाद था, मम्मी का खराब भी हो गया। लाइक हाँ पहले लाल था।